नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आपको गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं। दोस्तों, जैसा कि मैंने कुछ दिन पहले अपनी एक वीडियो में गुलाब की कटिंग लगाना आपको दिखाया था, आज मैं उसका अपडेट आपको इस वीडियो में दिखाना चाह रही हूँ। ये देखिए, वैसे तो मौसम बहुत ख़राब था, लेकिन मेरी जो कटिंग थी वो सक्सेस हो गई। इनमें देखिए, नई नई सूट्स कितनी बढ़िया निकली है, देखिए। और इसमें भी ये देखिए, जैसा आपको दिख रहा होगा, ये देखिए, ये और दूसरी मैंने इस गमले में लगाई थी, ये देखिए, ये इस गमले में मैंने पिंक रोज का लगाया था, एक ये और एक ये। इसमें भी खूब बढ़िया देखिए सूट्स निकली हैं, ये देखिए, ये और इसमें वाइट लगाया था, ये देखिए, इसमें भी दोनों में खूब बढ़िया सूट्स निकली हैं। वैसे सर्दी बहुत थी तो इसकी ग्रोथ थोड़ी स्लो हुई और बढ़िया, लेकिन परिणाम जो है अच्छा है। दोस्तों, कटिंग लगाते समय कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। पहली बात तो कटिंग जो है जहाँ से हम ले रहे हैं वह एक बहुत ही हेल्दी स्वस्थ पौधा हो, और उसमें से हम ना बहुत हार्ड ना बहुत सॉफ्ट, सेमी हार्ड डाल का चयन करें। मतलब जैसा कि आप देख रहे हैं, ना वो बहुत मैच्योर हो 4-6 साल पुरानी और ना तुरंत 2-3 महीने 1 महीने की हो, कम से कम 1 साल पुरानी ब्रांच हो, और वो उसकी मोटाई भी पेंसिल जितनी हो, जैसा कि आप देख रहे हैं, पेंसिल जितनी उसकी मोटाई हो, और कटिंग की लंबाई ज़्यादा से ज़्यादा 4-5 इंच हो, 6 इंच ज़्यादा से ज़्यादा, वो ज़्यादा सक्सेस होगी बहुत बड़ी कटिंग के बजाय। और इसकी सॉइल मीडिया भी थोड़ा सॉफ्ट हो, उसमें रेत ज़रूर मिलाएं और खाद की मात्रा बहुत हो। और उसको लगाते समय पहली बात कि उसको ऐसे डायरेक्ट ना उसमें मिट्टी में धंसाएं, उन्हें होल बना के और किनारे किनारे से उसको खूब सही से दबा दें। और हमारा लगाने के बाद हमारी कटिंग में के लिए जो मैंने ब्रांच लगाया है वो हिलने ना पाए, ऐसी जगह रखें कि वो हिले ना, क्योंकि वो डिस्टर्ब होगी तो उसमें जड़ें नहीं बनेंगी और उसमें नई नई सूट्स नहीं आएंगी। और उनको जब हम लगाते समय पहली बार खूब सही से पानी दे दिए हैं तो जब वो अच्छी तरह से ऊपर की मिट्टी सूख जाए तभी पानी दें, नहीं तो नीचे से जड़ बनने के बजाय वो आपकी ब्रांच जो आपने लगाया है वो सड़ना शुरू हो जाएगी। और उसको कुछ दिन आप छाए में रखें, फिर बाद में धूप में रखें। इन सब बातों का ध्यान रखेंगे तो आपको कटिंग का बहुत अच्छा ही परिणाम मिलेगा। ठीक है दोस्तों, मैंने आपको इस वीडियो में कटिंग के बारे में जितना मुझे मालूम था उतनी जानकारी आपको प्रोवाइड कराया। धन्यवाद, नमस्कार, हैप्पी गार्डनिंग।